हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है फाइन ऑर्गेनिक। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है या नहीं किया जा सकती। लगभग टॉप से 36% के लगभग करेक्शन में अभी इसमें और कितनी करेक्शन आ सकती है और अपने को कहाँ पर बाइंग करना चाहिए, इसके टारगेट क्या होंगे, तो डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके अपन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये फाइन ऑर्गेनिक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो अपने को ट्रेंड पहचानना होता है कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चलता है। तो अप ट्रेंड में क्या, किस तरह से अपना अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अप ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट बॉटम से लेकर राइट की तरफ अगर कोने से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ऊपर की तरफ प्राइस जा रही है तो अप ट्रेंड है। तो इसमें देख सकते हो फाइन ऑर्गेनिक में लगभग ये अप ट्रेंड में स्टॉक जा रहा था, अप ट्रेंड में यहाँ तक था, उसके बाद में डाउन ट्रेंड आ गया। और अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड लेफ्ट टॉप से लेकर राइट बॉटम की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी नीचे की तरफ आता है तो उसको डाउन ट्रेंड कह सकते हैं। तो अभी देख सकते हो कि ये डाउन ट्रेंड की साइड में अभी चल रहा है। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, लेफ्ट मिडल से लेकर राइट मिडल की तरफ अगर लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी एक कंसोलिडेट फेज में होता है तो उसको अपन बोलते हैं फाइन ऑर्गेनिक। तो अपने देखा कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। तो अपने को इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो अपने को करना चाहिए अप ट्रेंड में कोई स्टॉक होता है तो ब्रेकआउट के समय हो सकता है, या फिर डाउन ट्रेंड में होता है तो मेजर सपोर्ट के पास में अपन बाइंग कर सकते हैं। अब दूसरा अप ट्रेंड को अपन किस तरह से और आइडेंटिफाई करेंगे। अप ट्रेंड में बात करें तो इसने यहाँ पर देखिए एक टॉप लिया है और एक ये बॉटम, कोविड के टाइम इसने जो बॉटम लगाया है उसको अपन बॉटम मान लेंगे। इसके ऊपर वाला टॉप होगा तो ऊपर जाता है तो हायर टॉप होगा, ऊपर वाला बॉटम होगा तो हायर बॉटम होगा। इस तरह से स्टॉक में अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। आप देख सकते हो कि अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम मिल रहे हैं। फिर बात करते हैं जिस तरह से ये होता है, इस तरह से कि अपन जिस तरह से सीढ़ियों से छत के लिए ऊपर जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता है। ये सीढ़ियां मान सकते हो इस स्टॉक की। फिर आता है डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में मानेंगे कि ये टॉप लगाया, टॉप के बाद में इसको एक टॉप माना, इसको लोअर टॉप मान लेते हैं। लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर टॉप, लोअर बॉटम बनते जा रहे थे। अगर ट्रेंड की देख के बात करें तो ट्रेंड इसका चेंज कब होगा, जब इसके लोअर टॉप पैटर्न होंगे। कौन से लोअर टॉप पैटर्न, ये प्राइस है लगभग 5000 के लगभग, 5000 या 5100 के लगभग है। तो 5100 को लगभग ब्रेकआउट करता है, प्राइस सस्टेन करती है, तब इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तब तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। केवल ट्रेंड को देख के अपन इतना डिसाइड कर सकते हैं। अपने को एक सेकंड लगी इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट डाउन ट्रेंड का लोअर टॉप पैटर्न है, इसमें अपन इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ये एक बाउंस बैक हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसमें अपन ने देख लिया कि ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, ट्रेंड को देख के अपन इसमें बाइंग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। कोई स्टॉक जैसे ट्रेंड रिवर्स होता है तो कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाता है। जैसे यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, कोई ना कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया होगा। ये देखें तो कैंडलस्टिक की बात है, यहाँ पर कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, एक मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक डाउन ट्रेंड था, कंसोलिडेट फेज था। डाउन ट्रेंड के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए। तो रेड कैंडल, डोजी कैंडल और ग्रीन कैंडल, तीनों कैंडल का फॉर्मेशन आता है मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। और उसके बाद में आप देख सकते हो इसके बाद ऊपर की तरफ ये होता है बुलिश बियरिशिंग इनगल्फिंग, पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया, फिर डाउन ट्रेंड में आया, थोड़ा बहुत बचा लेकिन इसको इसका शेडो बचा है और ये पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया। यहाँ से एक अप ट्रेंड था, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया जो डाउन ट्रेंड के सिग्नल होता है, टॉप में बनती है, उससे पहले एक ट्रेंड होना चाहिए और उसके बाद में डाउन ट्रेंड आएगा। ये देख सकते हो यहाँ पर भी एक कह सकते हैं हैंगिंग मैन बनाए, अगर बड़े टाइम फ्रेम में बनाए तो कोई अच्छी कैंडल बनी होगी। ये देख सकते हो इसमें बनाए बियरिशिंग इनगल्फिंग पैटर्न, बियरिशिंग इनगल्फिंग पैटर्न के बाद में आप देख सकते हो इसमें एक डाउन ट्रेंड है। तो अगर इसको ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो अपन देख सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से काम करती है। अब बात करते हैं कि अपने को किस तरह से, अब एक डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं चार्ट को, अपन रीड करते हैं कि किस तरह से चार्ट रीड काम करता है। स्टेप बाय स्टेप हम पहले से ही स्टार्टिंग से चलते हैं। ये देखिए इसमें क्या हुआ था, इसमें ये कंसोलिडेट फेज था, कंसोलिडेट में लाइन ड्रॉ करता हूं। ये देखिए एक रेंज बाउंड एरिया था, रेंज बाउंड एरिया को इसने ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट ये ऊपर की तरफ कर लिया। इस ट्रेड लाइन की बात करें तो इस ट्रेड लाइन को बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट किया, पुल बैक पैटर्न है, ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेके निकल गया। फिर इसने अपनी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया, ट्रेड लाइन का यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन का लेके फिर निकल गया। इस यहाँ पर देखोगे मतलब ये जैसे ये है कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में जाता है तो वापस किस तरह से काम करता है।
ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न आया, पुल बैक पैटर्न क्या आया, इसी ट्रेड लाइन का सपोर्ट लिया फिर ऊपर की तरफ निकल गया। तो इस तरह से देख सकते हो कि आप अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट होता है तो वापस अगर पुल बैक पैटर्न आता है तो जो उसको पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करता है। अभी प्रेजेंट टाइम में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ये इसका लगभग, मैं अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी के नीचे की बात करें तो नीचे ये यहां पर आएगा लगभग प्राइस है 3600 के लगभग, 35 या 3600 के लगभग है। यहां से कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा तब इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अभी इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आप नहीं कर सकते, लगभग मान लिया 35 मान सकते हो। अभी ट्रेड कर रहा है 4400 के लगभग, तो लगभग मतलब कि ये मान सकते हो 800-900 पॉइंट है, तो वहां तक आता है तब इसमें बाइंग करेंगे, तब तक इसमें बाइंग नहीं करेंगे। अगर बाय चांस नीचे नहीं आता है तब क्या करेंगे, नीचे नहीं आता है तो इसमें देख सकते हो कि इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा 5000 के लगभग, 5000 के लगभग ब्रेकआउट करता है तब इसमें अपन बाइंग कर सकते हैं। इस रेंज में रह सकता है, पॉसिबिलिटी नीचे है कि नीचे और आ सकता है। अब एक चीज आपको पता चल गया कि मार्केट में इतनी देखो बुलिशनेस है, मार्केट 1600 मतलब कि बॉटम लगाया होगा 1600-700 वहां से लेके 800 से यहां तक आ गया है, लेकिन इसमें देख सकते हो कि अभी भी इसमें कोई रेंज अप्रैल से लेके इसी रेंज में फंसा हुआ है, 2 महीने से इसी रेंज में फंसा हुआ, कोई भी मूवमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी इसका अभी इसमें करेक्शन चल रही है, डाउन ट्रेंड चल रहा है स्टॉक का। जिस तरह से स्टॉक जैसे इंसान का होता है कभी कभी डाउन ट्रेंड आता है तो इसका मतलब बुरे दिन आते हैं, उसी तरह से स्टॉक का भी होता है कि उसका डाउन ट्रेंड चलता है तो उस टाइम में कितनी ही तेजी आ जाए लेकिन वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। तो उसी तरह से स्टॉक का भी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी, और इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये 35 ये मेजर सपोर्ट बना हुआ है। मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर मेजर सपोर्ट बना हुआ है, ये देखिए पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पर आके वो अगर कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। आप देख सकते हो कि कोविड के टाइम 1500 का स्टॉक था और ये 7000 के लगभग गया है, तो कितना वैल्यू क्रिएट करके दे दिया। तो आप देख सकते हो इसमें बिजनेस मॉडल अच्छा है, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल के बारे में देख सकते हो, क्योंकि उसको बार बार फंडामेंटल को देखने से कोई मतलब नहीं है, टेक्निकल चार्ट में आपको सब कुछ पता चल जाता है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्टेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो। और दोस्तों टेक्निकल चार्ट को किस तरह से रीड किया जाता है, कैंडल स्टिक पैटर्न आदि पैटर्न होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया, प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। तो अपने को बाइंग करनी है तो बाइंग देखो 3500 के लगभग बाइंग करेंगे, उससे पहले हम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं दूसरा कि RSI में कोई डाइवर्जन किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दो डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो ये आप देख सकते हो प्राइस का मूवमेंट यहाँ पर ऊपर की तरफ था, डाइवर्जन किस तरह से प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ था और ये नीचे की तरफ आ रहा था, आप इसमें देख सकते हो नीचे की तरफ, यहाँ पर डाइवर्जन नीचे की तरफ आ रही है RSI, तो इसको बोल सकते हो डाइवर्जन नेगेटिव डाइवर्जन। अभी की बात करें तो एक कंसोलिडेटेड पेज में कोई भी डाइवर्जन ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़े से डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे, देखो यहाँ से स्किप है और इसका ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर दिया, मतलब बाउंस आया था वो डाइवर्जन दिखाई दे रहे थे इसलिए डाइवर्जन दिखाई दे रहे इसलिए बाउंस बैक भी आ गया। लेकिन कोई भी RSI को देख के इंडिकेटर और लेगिंग इंडिकेटर होते हैं, इस पे बेस पे अपने को कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बता कि स्टॉक अगर 200 मूविंग एवरेज से ऊपर होता है तभी अपने को बाइंग करना चाहिए, एक आपको अगर उससे नीचे है तो आपको अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा। अपन 200 मूविंग एवरेज, एक सेकेंड, ये देखिए 200 मूविंग, एक तो दो चीज होगी, आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, यहां पर लो टॉप पैटर्न है, यहां पर देखो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, लो टॉप पैटर्न है एग्जैक्ट, वहीं 200 मूविंग एवरेज आ रहे हैं, तो अगर उसको ब्रेकआउट करता है साथ में तो अपन बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज अपने को मेजर सपोर्ट है। एक तो दो कंडीशन में अपन बाइंग करेंगे, कंसोलिडेटेड फेज में इसमें बाइंग नहीं करेंगे, 5000 ऊपर की ब्रेकआउट करता है सस्टेन करती है प्राइस तब बाइंग करेंगे, अदरवाइज यहां पर मेजर सपोर्ट के पास में आता है तब इसमें बाइंग करेंगे, दोनों कंडीशन में बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम इसमें बाइंग का कोई भी सोचेंगे नहीं। जो पहले से इन्वेस्ट है वो इन्वेस्ट रह सकते हैं, अक्यूमुलेट करना चाहते हो तो अक्यूमुलेट यहाँ पर नहीं करना चाहिए। देखो अक्यूमुलेट ये है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि इसको बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे दिया 5-6 गुना, तो उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, प्राइस को एडजस्ट करता है। जिस तरह से एक सिंपल बिजनेस, स्टॉक मार्केट को बिजनेस समझिए, जैसे अपन कोई भी कपड़ों की दुकान होती है तो उसमें सेल कब होती है, एक तो स्कूलों के टाइम या शादियों के टाइम, उसके अलावा टाइम में वो मतलब कि एक प्राइस को एडजस्ट करते हैं कि एवरेज निकालते हैं तो साल का निकालते हैं, उसी तरह से ही स्टॉक मार्केट में 2-3-4 महीने में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है, फिर वो अपनी स्टॉक को प्राइस को
एडजस्ट करते हैं, तो यहाँ पर अपने को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। नहीं की तो अभी बने रह सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेजर सपोर्ट के पास में 3500 के लगभग आता है तब इसमें बाइंग कर सकते हैं। ऊपर हमने जो लेवल डिस्कस किए दोनों में बाइंग करनी है, इस कंसोलिडेट फेज में अपने को बचना है। अब एक और देख लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें तो ये देखिए 60% पर अभी 61% के लगभग रिट्रेसमेंट के लगभग सपोर्ट लिया है। अगर नहीं आती है, दोनों कंडीशन है, नीचे आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, ऊपर नहीं आती है, तो हमने जो लेवल डिस्कस किया वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए साथी जुड़े हुए हैं वो अगर किसी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हैं तो कमेंट पर बता सकते हो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को उसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।